नमस्कार, मैं हूं अनूप मिश्रा। एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं बरेली की प्रमुख खबरों पर। बरेली की आज की प्रमुख खबर धर्म परिवर्तन से जुड़ी हुई है। जी हां, बरेली में शरण मौर्य के प्यार में महविश ने हिंदू धर्म अपना लिया है और अब वो महिमा बन गई है। उसने बरेली के मणिनाथ स्थित अगस्त मुनि आश्रम में 7 फेरे लिए हैं। शरण मौर्य ने उसकी मांग में सिंदूर भरा और मंगल सूत्र पहनाया। पंडित के संगधार ने उनकी शादी करवाई। वहीं अब महिमा ने SSP से सुरक्षा की गुहार लगाई है। उसका कहना है कि उसके परिवार वाले अब दोनों की जान के दुश्मन बने हुए हैं और वो उनकी हत्या करवा सकते हैं। अगली खबर होली पर अवैध शराब से जुड़ी हुई है। जी हां, होली का त्यौहार आने वाला है और ऐसे में शराब माफिया सक्रिय हो गए हैं और मिलावटी शराब बना रहे हैं। ऐसे में बरेली जोन के ADG PC मीणा के निर्देश पर जोन के सभी 9 जिलों में पुलिस ने छापेमारी कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 4000 लीटर से अधिक मिलावटी शराब बरामद की है। इसके अलावा 15 अवैध भट्टियां भी चलती मिली हैं, जिनको नष्ट किया गया है। इसके अलावा 269 शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। ADG जोन PC मीणा का कहना है कि होली तक इस तरीके के अभियान चलते रहेंगे। अगली खबर बांग्लादेशी महिला से जुड़ी हुई है। जी हां, 11 साल पहले बांग्लादेशी महिला अपनी पहचान छुपाकर किसी तरीके से भारत में आ गई और उसके बाद वो 11 सालों से बरेली के नवाबगंज में रह रही थी। उसने रिक्शा के पते पर अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड भी बनवा रखा था। चौंकाने वाली बात यह है कि अब उसने अपना नाम रजिया से खातून बेगम रख लिया और पुत्तन शाह से शादी कर ली और पासपोर्ट के लिए आवेदन किया। पासपोर्ट के सत्यापन के लिए जब पुलिस उसके घर पहुंची, तब पूरे मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल SP ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल ने बताया है कि महिला खातून बेगम और उसके पति पुत्तन शाह को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। खुफिया एजेंसियां भी उससे पूछताछ करने में लगी हुई हैं। अगली खबर बिना टिकट यात्रा करवाने से जुड़ी हुई है। जी हां, रोडवेज बसों में बिना टिकट यात्रा कराने को लेकर अब छापेमारी शुरू हो गई है। MD के प्रवर्तन दल की एक टीम ने रोहेलखंड डिपो की अजमेर जा रही बस पर जब छापा मारा तो उसमें 9 यात्री बिना टिकट के मिले। जिसके बाद जब प्रवर्तन दल ने चालक परिचालक से पूछताछ की तो उन्होंने प्रवर्तन दल की टीम से अभद्रता की। जिसके बाद प्रवर्तन दल की टीम ने चालक परिचालक समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले बरेली के ARM को भी इस मामले में निलंबित किया जा चुका है। उससे पहले भोजीपुरा में 19 यात्री बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए थे। अब लगातार टीमें छापेमारी कर रही हैं। ऐसे में अब वो लोग सावधान हो जाएं जो कंडक्टर बिना टिकट यात्रियों को यात्रा करवाते हैं और अपनी जेबें भरने में लगे रहते हैं और सरकार को लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगाते हैं। बरेली की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए मेरे साथ। कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।